बेजुबानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम साथियों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, शादो आबाद रखे और अल्लाह तबारक व ताला आपको रमज़ान की इबादतों में मशगूल रखे। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक के सदके तुफ़ैल में आपके तमाम गुनाहों को, खताओं को माफ़ करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हाजिर हूँ आपके सामने मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कि आज चांद नज़र नहीं आया है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। हमने हमारे कॉन्टेक्ट वालों से कॉन्टेक्ट किया है और अभी तक के इंतज़ार किया है उनके फ़ोन का, और जो शख्स का भी फ़ोन आया है मेरे अजीज़ों, तो उन्हें चांद नज़र नहीं आया है। यानि हमारे मुल्क भारत में, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर चांद नज़र नहीं आया है। ये खबर आई है कि सऊदी अरब के अंदर चांद दिख चुका है और आज वहाँ पर तरावी पढ़ी जाएगी, कल के रोज़ सहरी भी होगी और कल का रोज़ा भी होगा। तो माशाल्लाह, और जो चांद नज़र आ जाए इसका टाइम पूरा हो चुका है। अभी देखते हैं कि चंद मिनटों में, चंद घंटों में, या कुछ देर के बाद, आधे घंटे में या 20 मिनट में अगर बरेली शरीफ से फ़ोन आता है या कहीं से दिल्ली से फ़ोन आता है, तो इंशाल्लाह तुरंत अपडेट आप तक के हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे मेरे अजीज़ों। अभी ये खबर आपको दे रहा हूँ कि चांद अभी तक नज़र नहीं आया है। एक जगह नज़र आया है केरला के अंदर, लेकिन वहाँ पर शहादत किसी ने नहीं दी है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सही में चांद नज़र आया है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, कल हो सकता है, आज तो चांद नज़र नहीं आएगा और चांद नहीं नज़र आया है, हो सकता है अब कल ही चांद नज़र आएगा और परसों के रोज़ जुमे के रोज़ पहला रोज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका इंशाल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे अजीज़ दोस्तों, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।